वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज स्वागत करती हूँ मैं आपका कुसुम कंडारी वाले ब्लॉग में। तो आज है मकर संक्रांति और आज से गढ़वाली के उसमें नया साल है। हमारा तो 1 जनवरी से लग चुका था, पर मतलब इंग्लिश के उसमें 1 जनवरी को लग चुका था और गढ़वालियों के उसमें आज लग रहा है, आज मकर संक्रांति है। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जाते हैं हम नीचे, फिर हम नहा लिए हैं यहाँ देखो, और अब बनाते हैं हम थोड़ा पूरी पकौड़ी, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है मेरी मम्मी की पूजा, मेरी मम्मी ने पूजा कर लिया और यहाँ पे हमारे पकौड़े वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि आज पहाड़ी उसमें आज नया साल लग चुका है। तो यहाँ हम आग में बना रहे हैं ना चूल्हे पे। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा खाना चूल्हे पे ही बनता है, कोई थोड़ी तो गैस वगैरह में तो बना लेता है, पर ज़्यादातर इसी में बनता है। और यहाँ पे देखो मैंने बनाई है पतंग यूवी और लक्की के लिए, ये देखो यूवी ये। तो पतंग मैं जा रही हूँ आज गौचर ऐसे घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गौचर, ये देखो ये है गौचर का मार्केट। और यहाँ थोड़ा मेरे को काम है तो यहाँ जाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ देखो ये पूरा गाइस यहाँ पे हमको लग चुकी है भूख, अब खाते हैं हम थोड़ा सा मोमो। फुक्कड़ की तरह हमने पूरी प्लेट खाली कर ली है। और यहाँ पे मिली हमको दुकान में ढेर सारी चॉकलेट। चॉकलेट खाने का मन भी बहुत कर रहा था पर पैसे थे नहीं पूरे। यहाँ पे ये मैं ये बिस्कुट लाई, 10 रुपये का पैकेट है, पर इसमें मेरे को दिल मिला। और यहाँ पे अब हम घर आके बना रहे हैं यहाँ पे खटाई, अब उसके बाद खटाई खाएंगे क्योंकि अभी दिन का टाइम था, ज़्यादा देर हुई नहीं थी। यहाँ पे देखो ये भाभी है हमारी, और यहाँ पे इसमें नमक मिर्च सब कुछ मिक्स कर लिया है। ये देखो ये है काली दाल की खिचड़ी। तो गाइस अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे हम बना रहे हैं पहाड़ी मिठाई, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रोटने। इस रोटने को मतलब आटे में, आटे को गुड़ के पानी से गूथा जाता है और उसमें नारियल सौंफ वगैरह पता नहीं क्या क्या डालता है। यहाँ देखो इससे छाप लगाते हैं उसमें, मतलब पूरा डिज़ाइन मिल जाता है हमको। यहाँ देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो पूरा फूल बन गया है इसके ऊपर से। और यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ कोशिश, क्या पता छप जाए मेरे से भी, पर छप गए थे ना, ये तो नॉर्मल है मतलब आ ही जाता है, थोड़ा ताकत लगानी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको चौड़ा मतलब ऐसे पूरा गोल बनना होता है ना। यहाँ देखो ये बन रहा है यहाँ पे। और ये भी ये देखो हमने पूरा बना लिया था और मेरी बहन बना रही थी मेरा ब्लॉग। गाइस तो देखो इनकी पतंग, ये शांति की पतंग और ये लक्की की उड़ रही है रास्ते में। कहाँ ये बताई पतंग, आपकी पतंग कहाँ है? तो गाइस यहाँ पे देखो ये हो रही है हमारी शाम की तैयारी। यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है सूजी हमारे लिए, ये देखो तेल तेल को गरम करा तो उसमें ये सूजी डाली, फिर उसको थोड़ा थोड़ी देर पूरा भुनेंगे, थोड़ा ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना, तब उसके बाद ये देखो अभी तो हल्का हल्का ही हुआ है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने इसमें गुड़ डाल लिया है, कोई गुड़ डालता है, कोई चीनी डालता है, कोई घी में बनाता है, कोई रिफाइंड ऑयल में बनाता है। यहाँ पे गुड़ कम हो गया था तो हमने चीनी डाली और ये पूरा ब्राउन हो गया। फिर इसमें हमने गर्म पानी ऐड किया, तो गर्म पानी डालते हैं साइड सूजी में, फिर यहाँ देखो बन के हमारे तैयार। मैंने खा लिया है अभी खाना और सूजी, अब मैं करती हूँ थोड़ा सा पढ़ाई, फिर उसके बाद सोती हूँ मैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या पता थोड़ा फ़ोन चला लूँगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।